वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू बीबाज वर्ल्ड। मैं हूँ वैशाखी। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन। नाइट स्किन केयर सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी उतना ही ज़रूरत है। बॉयज़ सोचते होंगे कि हम तो बॉयज़ हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, स्किन केयर सभी के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है। आप अगर आपकी स्किन अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो आपको डार्क सर्कल्स, फाइन लाइन्स, पिंपल्स, ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए स्किन केयर बहुत ही ज़रूरत होती है। मॉर्निंग स्किन केयर भी जितना ज़रूरी है, नाइट की स्किन केयर उतना ही ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ मेरी नाइट स्किन केयर शेयर करूँगी। मैं नाइट स्किन केयर के लिए और मॉर्निंग स्किन केयर के लिए दोनों के लिए प्रेफर करती हूँ CTM प्रोसेस। वो क्या होते हैं? क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप हैं। आज मैं जो स्किन केयर रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो भी गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ बंधुरा, तुम्हारा सबाई हमें सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तुम्हारा करो ना, प्लीज़ আমাকে সাপোর্ট করো সাবস্ক্রাইব করে, এবং আমার চ্যানেলটিকে লাইক করো এবং শেয়ার করো। মেরে হিন্দি ফ্রেন্ডস, আপনি প্লিজ মুঝে সাবস্ক্রাইব করো আর মুঝে এক লাইক তো জরুর করনা মেরে ভিডিও পে। আপ আগর লাইক করেনগে তবি তো মুঝে মোটিভেশন মিলেগা, আর আপ শেয়ার করেনগে তবি তো মেরি ফ্যামিলি বড়েগা। তো প্লিজ ফ্রেন্ড, মেরে চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব এক জরুর করনা, আর উসকে পাস জো বেল বাটন হ্যায় উসকো ভি জরুর দবা দেনা। সবি সে মেরি রিকোয়েস্ট হ্যায় কি প্লিজ মেরি চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব জরুর করনা। তো ফ্রেন্ডস চলিয়ে স্টার্ট করতে হ্যায় ইস ভিডিও কো। पहले मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ ये गार्नियर की माइसलर क्लिनजिंग वाटर। ये बहुत ही अच्छा है एंड ये बहुत ही सस्ता भी है। आप किसी भी लोकल स्टोर में इसको पा सकते हो। कॉटन पैड में इसको ऐसे पोर कर लेंगे और पूरे मेकअप को रिमूव भी कर लेंगे। मेकअप को रिमूव ना करके आप अगर सो जाओ तो आपको स्किन प्रॉब्लम होगी, एक्नी, पिंपल्स, ये सब हो सकता है। इसीलिए मेकअप रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। बाद मैं यूज़ करूँगी एक क्लिनजर, बायोटिक बायो पाइनएप्पल ऑयल कंट्रोल फोमिंग क्लिनजर, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए। तो मेरे यहाँ पे ऑयली स्किन है तो इसीलिए मैं ये ऑयली स्किन की फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। स्किन केयर तो सभी के लिए ज़रूरत होते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्किन। आपकी स्किन क्या है? जैसे मेरी स्किन यहाँ पे ऑयली है, ऑयली फेस के लिए जो स्किन केयर है मैं वो करूँगी। तो आपके फेस अगर ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, आप उस तरह से आपके फेस में जो स्किन केयर रिक्वायर हैं आप वही यूज़ करना। मैं यहाँ पे ऑयली स्किन के लिए जो भी प्रोडक्ट मुझे चाहिए मैं वो यूज़ कर रही हूँ, और आप जो भी ऑयली स्किन वाले हो फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, आप उस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करना, बट प्रोसेस सेम होती है। फेस वॉश को लेके ऐसे अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करते रहना और 30 सेकंड्स के लिए ऐसे अप्लाई करते रहना, उसके बाद धो लेना। फेस वॉश करने पर हमारे फेस से डार्क पॉल्यूशन सभी रिमूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे जो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ वो ऑयली, नॉर्मल एंड कॉम्बिनेशन स्किन यूज़ कर सकते हो, और ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फेस वॉश के अलावा मैं यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी वो ऑल स्किन टाइप के लिए होंगे। ऑल स्किन टाइप उसको यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अब यूज़ करूँगी ये बायोटिक की बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग 10 रिमूवल स्क्रब। ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। स्क्रब हमारे फेस से जर्म और डर्ट को रिमूव करते हैं, स्किन सेल को रिजुमिनेट करते हैं, ब्लैक हेड्स को रिमूव करते हैं और स्किन को क्लियर करते हैं।
ये फेस स्क्रब गर्ल्स बॉयज सभी के लिए ज़रूरत है। और मैं जो यहाँ पे स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, ये टैन को भी रिमूव करता है, अपने फेस से सारे टैन को रिमूव कर देगा। और ये स्क्रब को आप 2 मिनट्स के लिए अप्लाई करते रहना ऐसे सर्कुलर मोशन में, और ये आप वीकली 2 बार करना। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बायोफ्रूट वाइटनिंग डीप पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक। ये बहुत ही एक अच्छा फेस पैक है, बॉयज गर्ल्स कोई भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। फेस स्क्रब की तरह फेस पैक भी बॉयज गर्ल्स सभी के लिए बहुत ज़रूरत है। फेस पैक हमारे फेस में एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और फेस को हाइड्रेट भी रखता है, फेस में जो पिगमेंटेशन है उसको भी दूर करता है। मैं यहाँ पे जो फेस पैक यूज़ कर रही हूँ उसमें व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी की होने की वजह से ये फेस को व्हाइटनिंग करता है। पैक को लगाने के बाद आप 10 मिनट्स वेट करना, उसके बाद ये सूख जाए इसको वाटर से धो लेना। करूंगी आप अगर रोज वाटर यूज करते हो आप वो भी यूज कर सकते हो। फेस को क्लीन करने की तुरंत बाद ही आप टोनर यूज कर लेना, क्योंकि फेस में हमारे जो बड़े बड़े लार्ज पोर्स हैं उसमें डर्ट ऑयल ने से पहले ही आप टोनर को जल्दी से लगा लेना। और टोनर लगाने के लिए आप फेस को ज़्यादा प्रेस मत करना, हल्के हाथों से मैं जैसे कर रही हूँ वैसे पूरे फेस में लगा लेना। बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये लबंग मॉइस्चराइज़र, ये ऑयली स्किनों के लिए बहुत ही अच्छा है, आप मुझे देखे होंगे ट्यूटोरियल्स में यूज़ करने पे। इसके साथ एलोवेरा मिक्स करके अच्छे से मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है एंड फ्लेकी स्किन को रिमूव करता है, और ये एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, और ऑल नाइट ये हमारे स्किन को रिपेयर करते हैं। बहुत लोग कहते होंगे कि ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतना ऑयल है, बट मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ऑयली स्किन पे भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ऑयली स्किन को भी हम जब फेस वॉश करते हैं तो वहाँ से ऑयल हट जाता है, और इसके बदले हम इसमें हाइड्रेट करने के लिए मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं और थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेके मैं अपनी रिंग फिंगर से अंडर आई पे भी इसको अप्लाई करूँगी, ऐसे मैं मसाज करते हुए। अंडर आई पे अप्लाई करने पर हमारे जो पफीनेस हैं, रिंकल हैं और डार्क सर्कल हैं इसको दूर करते हैं। पूरे दिन काम करने के बाद हमारे आई पे जो थकान है उसको भी ये दूर करता है। तो आप इसके लिए एक अलग से आई क्रीम यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल ही यूज़ करती हूँ। एक लिप बम लगाना ज़रूरी है, लिप बम के लिए यूज़ कर रही हूँ निविया की लिप बम। लिप बम हमारे ड्राई फेकी लिप को ठीक करता है और लिप को बहुत ही देर तक हाइड्रेट रखता है, जो एक बहुत ही अच्छा बात है। तो लिप बम यूज़ करना बहुत ही ज़रूरत है। इस तरह से आप अपनी स्किन केयर के लिए नाइट में कुछ ही समय तो दे ही सकते हो। मुझे ये सारा स्किन केयर करने में टाइम लगा 15 मिनट। तो सारा दिन आप काम करते हो, कितना प्रेशर लेते हो, उसको आप नाइट में क्लीन आउट करने के लिए थोड़ा सा स्किन केयर तो कर ही सकते हो। इस तरह से मैं अपनी नाइट स्किन केयर करके सो जाती हूँ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और आज के लिए